भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का झारखंड में आज आगमन है। हजारीबाग में एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम है जहां से 83,700 करोड़ का योजनाओं का शुभारंभ झारखंड में करने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रही है। झारखंड में जो मुख्य सुविधाएं मिलने वाली है उसमें से पहला है पक्का घर यानी पीएम आवास योजना, जल नल योजना, बिजली पानी से रिलेटेड समस्याओं, बिजली सड़क और आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना एंड अन्य बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ आज के डेट में ही करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ झारखंड में होने जा रही है जिसका लागत 83,700 करोड़ से भी अधिक रखा गया है। तो विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपका भाई किशोर, स्वागत है किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही वीडियो को पाने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित भारत सरकार, धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धरती आवा जनजाति ग्राम अभियान सहित 83,700 करोड़ की जनजाति कल्याण और विकास योजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास लोकार्पण करने वाले हैं। ये अभियान आज के डेट में ही होने वाली है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बुधवार 2 अक्टूबर 2024 अपराह्न 2 बजे जिला हजारीबाग झारखंड में ये कार्यक्रम होने जा रही है। अभियान के मुख्य लक्ष्य आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए 79,156 करोड़ की परियोजना, 17 मंत्रालय की 25 योजनाओं का लाभ एक साथ हर गाँव हर घर तक मिलने वाली है। इस काम के लिए झारखण्ड के 4,000 गाँव चयन किया गया है जो की मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। आगे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे की 63,000 गांव में रहने वाले 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया गया है जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि योग्य लाभुकों को पक्का घर दिया जाएगा एंड जल नल योजना से गांव को लाभान्वित किया जाएगा, बिजली की कमी जिन गांवों में है वहां पर बिजली पहुंचाया जाएगा, सड़क की सुविधा दिया जाएगा, आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत सुविधा दिया जाएगा। साथ ही आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन आप ले सकते हैं। यदि आप अभी तक गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किए, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो बिल्कुल फ्री में आपको नया गैस कनेक्शन के साथ साथ एक सिलेंडर फुल आपको दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में एक चूल्हा दिया जाएगा और सारा चीजें उससे रिलेटेड आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड भी योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पोषण स्कूल हॉस्टल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि वन अधिकार अधिनियम FRA के अंतर्गत 24 लाख पट्टा धारकों को कृषि, मत्स्य पालन और पशु पालन सहित विभिन्न योजनाओं के संपूर्ण कवरेज पर फोकस किया जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का प्रधानमंत्री का आगमन आज के डेट में ही है। कब होने वाले हैं आगमन, सारे कार्यक्रम की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि कल का न्यूज़पेपर से मैंने लिया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम कल आएंगे हजारीबाग, यानी कि आज आएंगे हजारीबाग, 2 अक्टूबर को ही आएंगे। ये 1 अक्टूबर का पेपर कटिंग है जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 मुख्य योजना है जो कि आप देख पा रहे होंगे, पीएम जनजाति उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे और दूसरा है पीएम जनमन कार्यक्रम यानी पीएम जनमन योजना के अंतर्गत योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्य रूप से आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि पीएम जनजाति उन्नत ग्राम योजना का लाभ देने के लिए 4,000 गांवों का चयन किया गया है और कार्यक्रम का आप समय देख पा रहे होंगे जो कि 2 अक्टूबर का है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे मिनट टू मिनट सारा अपडेट यहां पर देख पा रहे होंगे कि दोपहर 1:30 बजे विशेष विमान से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया जाएगा प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से 1:30 बजे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे और 1:55 में कार्यक्रम स्थल यानी हजारीबाग पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद बाकी आप समय सारा डिटेल्स को आप यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि परिवर्तन यात्रा महासभा को भी संबोधित करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ेंगे 5 करोड़ से अधिक जनजाति लोग जिसमें आपको क्या क्या फायदा मिलेंगे देख सकते हैं यहाँ पर। इस योजना के अंतर्गत धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2740 प्रखंडों में 5 करोड़ से अधिक जनजाति लोगों को जोड़ा जाएगा। पीएम 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। 2800 करोड़ से अधिक लागत के 25 ESR की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कमजोर जनजाति समुदाय से संवाद भी करेंगे। साथ ही पीएम जनमन योजना के तहत 1360 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 1380 किलोमीटर से अधिक सड़कें का निर्माण किया जाएगा और 120 आंगनबाड़ी केंद्र,
250 बहुउद्देशी केंद्र और 10 स्कूल छात्रावास भी शामिल है इस योजना के अंतर्गत। इसके अलावा 3000 गांव और 75000 से अधिक कमजोर जनजाति समूहों को विद्युतीकरण से जोड़ा जाएगा, यानी जहां पर बिजली की समस्या है, बिजली नहीं है, वहां पे बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 250 मोबाइल मेडिकल इकाइयों का संचालन और 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन की शुरुआत होगी। तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के हजारीबाग से जो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, यहां से काफी सारे योजनाओं का गिफ्ट झारखंड को देने जा रहे हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो योजना है आपको वीडियो में देखने को मिला, और डिटेल्स में देखने के लिए आप यहां पे इसको देख सकते हैं कि ये है मुख्य योजना जिसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें से नंबर 1 में रखा गया है पक्का घर यानी पीएम आवास योजना का लाभ, दूसरे नंबर में नल जल योजना को रखा गया है, और तीसरे नंबर में बिजली, सड़क, आयुष्मान कार्ड, ये सभी योजनाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला वो आपको पसंद आया होगा। इनमें से कौन सा योजना सबसे बेहतर है आपके लिए, कौन सा योजना का आप लाभ लेना चाहेंगे, इसके लिए कमेंट में जरूर हमें बताएं। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।